तो आज हम बनाते हैं पंजाबी सब्जी आलू की कतली। कहा जाता है कि ये सब्जी बहुत ही पुरानी रेसिपी है, जहां कतली मतलब स्लाइस होता है, इसलिए इसे आलू की कतली कहते हैं। लाहौर में आलू की कतलियां बहुत फेमस है। लगभग हर चीज के साथ लाहौर के घरों में आलू की कतलियां बनाई जाती है। 1947 के बाद ये रेसिपी भारत आई और पंजाबी घरों में बहुत फेमस हुई। झटपट से बनने वाली आलू की कतलियां की ये सब्जी लाहौर और भारत में पंजाब के होटलों में भी पाई जाती है। तो चलो फिर रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ मैंने 500 ग्राम आलू लिए हैं, इसे अच्छे से धो लिया है और इस तरह स्लाइस में कट कर लिया है। अब स्वाद के लिए एक मसाला तैयार कर लेते हैं। इसके लिए एक पैन में एक चम्मच सौंफ, एक चम्मच जीरा, 5 से 6 कश्मीरी लाल मिर्च मिलाकर इसे 2 से 3 मिनट भून लीजिए। दोस्तों, अगर आपने अमृतसरी पनीर भुर्जी की रेसिपी नहीं देखी तो इस आई बटन पर क्लिक करके देखिए। हमारे मसाले भूनकर तैयार है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है मसालों की। 2 से 3 मिनट भुनने के बाद इसे मिक्सचर में दरदरा पीस लीजिए। हमारा मसाला दरदरा पीस कर तैयार है, इसे ठंडा होने साइड में रख दीजिए। अब एक पैन में 2 से 3 चम्मच तेल, आधा चम्मच जीरा, 5 से 6 कड़ी पत्ता, 1/4 चम्मच हींग और 2 प्याज बारीक कटा हुआ मिलाकर इसे सुनहरा ब्राउन होने तक ढककर पका लीजिए। प्याज गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब इसमें एक बड़ा टमाटर स्लाइस में कटा हुआ डालकर अच्छे से मिक्स कर लीजिए। स्वाद अनुसार नमक, आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब इसे 3 से 4 मिनट ढककर पका लीजिए। 3 से 4 मिनट बाद टमाटर पक गए हैं। नरम टमाटर को इस तरह मेश कर लीजिए, इससे सब्जी में अच्छा टेक्सचर आएगा। स्लाइस किए हुए टमाटर की जगह आप इसमें टमाटर की प्यूरी भी मिला सकते हो। अब इसमें 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, स्लाइस किए हुए आलू, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और स्वाद अनुसार नमक मिलाकर अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और इसे ढककर 4 से 5 मिनट पका लीजिए। 4 से 5 मिनट पकने के बाद इसमें 1 चम्मच दरदरा पिसा हुआ मसाला, थोड़ा हरा धनिया, 1 कप पानी, बचा हुआ मसाला, 1 टमाटर छोटा कटा हुआ, थोड़ा हरा धनिया डाल दीजिए और मिक्स कर लीजिए। अब इसे ढककर 7 से 8 मिनट के लिए धीमी आंच पर पका लीजिए। आलू को चेक कर लीजिए, ये पके हैं या नहीं। आलू पक गए हैं, थोड़ी कसूरी मेथी, थोड़ा हरा धनिया। तो लीजिए, हमारी आलू की कतलियां तैयार है।
स्वाद से भरपूर दिखने वाली सब्जी देसी घी वाली फुल्का रोटी के साथ सर्व कीजिए। आप इस स्वादिष्ट सब्जी को अपने परिवार और मित्रों के साथ खाने का आनंद लीजिए। रेसिपी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक अपने और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। धन्यवाद।